गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक होगा क्लास 12th मैथ चैप्टर 3, जो कि आपको अब मैट्रिक्स अब भी होगा। इससे पहले हमने दोस्तों आप लोग को थ्योरी बताई थी। मेरे प्रिय विद्यार्थी जो हैं, अगर वो वीडियो को ना देखे होंगे तो पहले उनको बताया गया अव्ययों के प्रकार, आपको अव्ययों के 30 प्रकार बताया जो कि आज तक कोई नहीं बताया होगा, तो पहले उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, इस तरीके से आपका बिना टाइम लॉस्ट किए अपना टॉपिक शुरू करते हैं दोस्तों। तो आपका टॉपिक क्या होगा? एनसीईआरटी हमारा मैथ होगा दोस्तों। जैसे कि हमारे पास एनसीईआरटी है, उसी से हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.1 का, जो कि दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन होगा। एज इक्वल टू आपको ये दिया गया, आप व्यू एज इक्वल टू 25, इतना आपको आप व्यू एज इक्वल टू दिया गया है। और इसमें आपसे पूछ रहा है आप व्यू की कोट कितनी है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर आप व्यू की कोट बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें पंक्तियों की संख्या गिन लीजिए, देखिए कितनी पंक्ति बन रही है। फिर इसके बाद स्तंभों की संख्या गिन लीजिएगा, देखिए कई पंक्ति, एक दो तीन, एक पंक्ति इधर से बन गई, दूसरी इधर से, तीसरी इधर से, तो जाएगा 3/ कई स्तंभ, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, चार स्तंभ, तो 3/4 हो जाएगा। अब पूछ रहा है अवयवों की संख्या, इन्हीं सबका गुणा कर दीजिए, 3 × 4 3 × 4 = 12, या फिर सबको गिनोगे 12 हो जाएगा। अब दोस्तों अगला यहाँ पर आपसे क्या पूछा, अवयव A13 क्या होगा, A21 क्या होगा, A33 क्या होगा, A4 क्या होगा। और अब देखिए इसका हम आंसर आपको बता देते हैं यहाँ पर दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अवयव आपको पूछा गया A13 क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, A13 का मतलब होगा पहली पंक्ति, और जो बाप जो पहले लिखा होगा वो पंक्ति बताएगा, जो बगल में उसके लिखा होगा स्तंभ बताएगा। पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का होगा दोस्तों, आपको यही है, पहली पंक्ति, तीसरा स्तंभ, पहला दूसरा तीसरा, यही है जिसपे पॉइंट कट हुआ वही आंसर। तो आप यहाँ पर क्या उत्तर बता देंगे, 19 आपका दोस्तों आंसर बन जाएगा। इस तरीके से आपका दूसरा आंसर दोस्तों हम बताते हैं क्या बनेगा। यहाँ पर से पूछा गया है A21, मतलब A21 का मतलब क्या होगा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति आपको दोस्तों यही होगा, पहला स्तंभ आपको यही है जिसपे पॉइंट कट हुआ, यही आंसर आपका आंसर यहाँ बन जाएगा 35। इसके बाद दोस्तों आपका अगला आंसर जो होगा, देखिए यहाँ पर अगला आपको पूछा गया है 33 का आंसर, मतलब तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव, तो आपको तीसरी पंक्ति यही होगा और तीसरा स्तंभ आपको यही है, जिसका आपको आंसर यहाँ पर कितना जाएगा दोस्तों, -5। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अगला आपसे पूछा गया दोस्तों यहाँ पर, फिर पूछा गया है, क्या पूछा है, A24 कितना होगा, A24 आपको निकालने के लिए दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ का अवयव क्या होगा, दूसरी पंक्ति आपको यही होगा, चौथा स्तंभ भी होगा, इस पे कट किया ना, तो आंसर कितना आपको राइट कर देंगे, 12। इसके बाद जो कि आपको लास्ट पूछा गया दोस्तों, A23 = कितना होगा, मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ का अवयव, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव दोस्तों, यही बनेगा 5/2। आपका दोस्तों यहाँ से तरीके से आपका पहला क्वेश्चन कम्प्लीट हो जाता है। इसके बाद अगर आप राइट करना चाहते हो दोस्तों राइट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या है, देखिए हम क्वेश्चन रीड करते हैं और फिर आपको उसका आंसर बताते हैं दोस्तों। आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों देखने के लिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया, यदि किसी अव्यू में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटिया ज्ञात कीजिए, यदि इसमें 13 अवयव है तो उसकी कोटिया ज्ञात कीजिए, क्या होंगी। देखिये दोस्तों, आपको दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कोई अव्यू है उसमें आपको कितना अवयव दिया गया, 24 अवयव है, 24 अवयव दिया गया है, तो इसकी कोट ही पूछा है। तो आप दोस्तों इसकी कोट निकालने के लिए इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे, देखिए कोट कितना बनेगा, देखिए संभव कोटिया पूछा है तो कोटिया देखिए लिख देते हैं, संभव कोट कितनी कितनी संभव कोट इसके लिए बनेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिये कितनी कोट बनती है यहाँ पर। तो पहले आपको इसका गुणनखंड, चलिए पहले यही कर देते हैं 1/24, फिर दूसरा राइट कर दीजिए 24×1, यही बन जाएगा। फिर इसका 2 × 12 हो जाएगा दूसरा, फिर 12 × आपको 2 बन जाएगा, इस तरीके से आपको। फिर इसके बाद 3 का भी बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कॉमा लगा देंगे, देखिए तो बनेगा यहाँ पर आपका 3×8, फिर अगला हो जाएगा 8×3, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई करने पर वही मिल जाएगा उल्टा सीधा सब। फिर इसके बाद आपको हो जाएगा 4 का दोस्तों, 4×6 आपको अगला हो जाएगा 6×4, इस तरीके से आपको दोस्तों यही आपको मैट्रिक्स बनेगा, इससे ज्यादा बनने वाला नहीं है। और कह रहा है यदि इसमें 13 अवयव है, इसी क्वेश्चन में जब पूछा 13 अवयव है, आपको अवयव कितना पूछा गया 13, इसका कोड इस तरीके से बनाइए जिस सबका मल्टीप्लाई करिए वही मिलेगा, आगे पीछे से नहीं, मतलब 13 अवयव, तो इसकी संभव कोटि कितना बन जाएगा आपका, संभव कोटि 13 अवयव है तो फैक्टराइजेशन नहीं होगा, यह अभाज्य संख्या है, मतलब आपको दूसरा केवल रख देना 1×13, दूसरा हो जाएगा 13×1,
इस तरीके से आप कैसे बनाए आंसर हो गया दोस्तों। इसके बाद आपको तीसरा क्वेश्चन दिया गया, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगे, इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। अब की बार इसमें दोस्तों आपको तीसरा वाला क्वेश्चन कह दिया है 18 अवयव जब रहेंगे तब क्या बनेगा आंसर, और जब 5 अवयव होंगे तब इसका आंसर क्या बनेगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए जब 18 अवयव है तब क्या आंसर बनता है। क्वेश्चन आपको तीन दोस्तों, जब 18 अवयव एक बार 5 अवयव है तो उसके लिए आपको संभव कोटि बताना। 18 अवयव को फैक्टराइज करेंगे 1 × 18, दूसरा हो जाएगा 18 × 1। तो आप दोस्तों आगे पीछे राइट करने से कोई मतलब नहीं होगा, खाली इसका मल्टीप्लाई करें तो 18 आपको आ जाना चाहिए। इस तरीके से 2 × 9, फिर अगला हो जाएगा 9 × 2, फिर अगला आपको बन जाएगा दोस्तों यहाँ से 3 × 6, फिर अगला हो जाएगा 6 × 3। इस तरीके से आपको दोस्तों एक कोटि बन जाएगा। अब 5 अवयव आपके अभाज्य संख्या है तो इसका हो जाएगा 1 × 5, और अगला बन जाएगा 5 × 1। दोस्तों आपको सब आगे पीछे करके लिखना है, जो पहले लिखा होगा पंक्ति और बाद में लिखा हो अस्तंभ होगा। इस तरीके से दोस्तों आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो चौथा होगा, दिया है 1 × 2 / 2 2×2 aij की रचना की, जिसमें अवयव निम्नलिखित तरीके से आपको दिए गए दोस्तों। इसमें तीन पार्ट दिया गया है, तीनों में से आपको हम तीसरा पार्ट इसका करके दिखा दे रहे हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा आप लोग, तीसरा के या तो पहला पार्ट चलिए पहला ही कर दे रहे हैं। तो देखिए इसमें तीन पार्ट आपको दिया गया दोस्तों। देखिए इसमें कह रहा है आपको चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एनसीईआरटी से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग दोस्तों, कह रहा है 2/2 कोट के एक अवयव ज्ञात कीजिए, यदि अवयव ए बराबर ए आई जे है ना, ए आई जे रचना कीजिए, और इसमें पहला जो आपको दिया गया है, पहला दिया और इसमें कोटि आपको दिया गया दोस्तों 2/2 कोटि का दिया गया है, और आपको इसमें पहला पार्ट आपको कहा गया है, कह रहा ए आई जे इज इक्वल टू, इससे पहले आपको दोस्तों हम थ्योरी में अपने बताए थे ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। दोस्तों आपको यही अवयव की रचना करना होगा। तो देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इसमें आपको बहुत ही आसानी क्वेश्चन है, तो इसके लिए एक बार आई का मान 1 रखते हैं, फिर जे का भी मान 1 रखते हैं। चलिए तो यहाँ पर ये 1 1, तो इधर भी राइट कर देंगे 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। इस तरीके से फिर यहाँ से ज्ञात करेंगे ए 1 2, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ का होगा, दूसरा स्तंभ बनेगा यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस तरीके से हो जाएगा आपको यहाँ पर, देखिए दोस्तों तो 1 + 2 का स्क्वायर अपॉन 2, आई के स्थान पे 1 होगा, जे का स्थान 2, तो यहाँ पर बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। ध्यान दीजिएगा, फिर अगला 2 1 ज्ञात कर लेते हैं, मतलब दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव, तो जाएगा 2 + 1, इसी में बार बार मान रखा जाएगा दोस्तों अपान 2, हो जाएगा 3 × 3 9 9 अपान 2। इस तरीके से आपका अगला हो जाएगा 2 2 का आंसर दोस्तों, 2 + 2 का स्क्वायर अपान 2, 2 × 4 4 × 16 16/2 = 8। तो इस तरीके से आपको आप भी एज इक्वल टू दोस्तों इसका आंसर आप क्या राइट करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा आपका यहाँ पे आंसर आप भी एज इक्वल टू बनेगा, आप डू एज इक्वल टू यहाँ पे राइट कर देते हैं a11 a12 a21 a22, आपको इसी तरीके से आंसर बनना होगा। तो एज इक्वल टू a11 की वैल्यू 2 आई है तो 2 राइट कर देंगे दोस्तों, और a12 की वैल्यू आपको आया 9 अपॉन 2, तो 9 अपॉन 2 हो जाएगा। फिर a21 की वैल्यू आया है 9 अपॉन 2, तो यहाँ पर 9 अपॉन 2 हो जाएगा। फिर a22 की वैल्यू 8 आया है दोस्तों, 8 आपको इस तरीके से क्या हो गया है आंसर आपको। क्वेश्चन 4 में दोस्तों आपको तीन पार्ट दिया था, जो कि हमने पहला आंसर आपको यही करवाया है दोस्तों। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, चलिए आप लोग नोट कर चुके होंगे। देखिए दोस्तों आपको इरेज करते हैं, इसके बाद आपका 2 पार्ट और होगा दोस्तों, 2 पार्ट को आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों बार बार। देखिये इसका क्वेश्चन 5 आपको क्या दिया है, इसमें देखिये क्वेश्चन 5 को हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है 1 3/4 अवयव की रचना कीजिए, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से दिए गए हैं दोस्तों। इसका हम पहला पार्ट सॉल्व कर देते हैं। इसमें देखिए 5वां जो क्वेश्चन आपको होगा, इसमें आपको दिया गया कोट जो दिया गया, जो क्रॉस में दिया होता है वो कोट हो जाएगा, 3/4 की कोट दिया गया है, और इसमें कह रहा है दोस्तों आपको ए आई जे बराबर क्या कहा है, ए आई जे बराबर आपको राइट कर दिया 1 अपॉन 2 दोस्तों। यहाँ पर मॉड है क्या, दिख नहीं रहा है क्लियर से, देखिए मॉड में दिया मॉड ऑफ -3i + j दोस्तों, आपको यही आंसर होगा। देखिए मॉड में जो भी आपको मुक्त किया जाता है सब प्लस में आता है। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं बहुत आसान तरीके से दोस्तों, एक बार 1 1 रखिए, एक बार 1 2 रखिए। चलिए तो एक बार हम ले लेते हैं 1 1 यहाँ पर रखते हैं, तो 1 अपॉन 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा -3,
फिर आपको आई का मान वन तो प्लस वन इस तरीके सॉल्व करेंगे, फिर इसको हो जाएगा वन अपॉन टू, माड आप पहले मल्टीप्लाई होता है माइनस थ्री प्लस वन तो इक्वल टू वन अपॉन टू, इसको जब सॉल्व कर देंगे माइनस टू, तो माड को जब हम मुक्त करते हैं दोस्तों तो प्लस में आता है, जब इसको मुक्त कर देंगे हो जाएगा वन अपॉन टू प्लस टू, टू टू कट जाएगी इक्वल टू वन। अब देखिए इसके बाद दोस्तों अगला आपको आएगा ए वन टू फाइंड करते हैं, क्योंकि इतने कोड का आप व्यू कहा मतलब इसमें पंक्तियों की संख्या तीन होगा, पंक्ति तीन होगा, स्तंभ कितने होंगे चार। चलिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं आसानी से। चलिए देखिए आई का मान आपकी एक रख देंगे, जे का मान कितना जाएगा दो, तो यहाँ पर वन अपॉन टू रहेगा माड ऑफ माइनस थ्री इंटू वन प्लस टू। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग, वन अपॉन टू हो जाएगा माइनस थ्री प्लस टू माड में आपको रहेगा, फिर यहाँ पे वन अपॉन टू माड में माइनस वन, तो आपको दोस्तों इसको मुक्त कर देंगे प्लस वन हो जाएगा, तो इस तरीके से आपको वन अपॉन टू। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग दोस्तों इस तरीके से अगला आपको ज्ञात करेंगे, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ का हो जाएगा वन अपॉन टू माइनस थ्री इंटू वन प्लस थ्री हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू वन अपॉन टू, यहाँ पर हो जाएगा माइनस थ्री प्लस थ्री दोनों कट हो जाएगा दोस्तों, तो वन अपॉन टू माड ऑफ जीरो जाएगा, जब गुणा कर देंगे दोस्तों जीरो जाएगा। इस तरीके से अगला ज्ञात कर लेते हैं, वन फोर का आंसर आपको हो जाएगा वन अपॉन टू, तो फिर इस तरीके से आपको यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर माइनस थ्री यहाँ पर वन होगा प्लस फोर इज इक्वल टू वन अपॉन टू, यहाँ पर माइनस थ्री प्लस फोर, फिर यहाँ पर हो जाएगा वन अपॉन टू माड ऑफ वन दोनों माइनस में घट जाएगा, फिर यहाँ पर जाएगा वन अपॉन टू। अब देखिए दोस्तों अभी आपको एक स्टेप पूरा, पहली पंक्ति का चार स्तंभ तक लेके गए हैं इस तरीके से, अब आपको हम दूसरी पंक्ति का निकालेंगे, ऐसे सब आपको क्रम से चारों स्टेप टू स्टेप निकालना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसके लिए। चलिए देखिए अगला हम निकालते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए दूसरे का क्या बना लेते हैं, देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए यहाँ पर निकाल लेते हैं दूसरी पंक्ति का, दूसरी पंक्ति का क्या बन किया जाएगा, देखिए यहाँ पर दूसरी पंक्ति का क्या बनता है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं ए टू वन इज इक्वल टू क्या बनेगा। चलिए अगर आप लोग इसको राइट कर लिए हो तो चलिए दोस्तों आप लोग इसको राइट कर ही लिए होंगे, तो चलिए आप लोग इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग राइट कर लिए होंगे दोबारा, इसके बाद आयो ए वन वन आप लोग काउंट के दिमाग में अपने रखिएगा, हमको यही अवयव लेके आना है, आंसर हमारा यही बनना चाहिए। तो इस तरीके से आपको देखिए आंसर दोस्तों याद रखिएगा, तो ए वन टू का कितना होगा वन आया है, और वन अपॉन टू होगा, फिर जीरो होगा, फिर वन अपॉन टू होगा। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर दूसरा स्टेप आपको फॉलो करके बताते हैं दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों। चलिए देखिए आ जाइए, अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पर फाइंड करते हैं दोस्तों हम अगला स्टेप, अगला स्टेप लिखते हैं ए टू वन इज इक्वल टू वन अपॉन टू, तो माइनस थ्री इंटू टू प्लस वन इज इक्वल टू वन अपॉन टू, यहाँ पर हो जाएगा माइनस सिक्स प्लस वन, इधर आपको दोस्तों अगला बन जाएगा वन अपॉन टू माइनस फाइव, इसका हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू इंटू फाइव इज इक्वल टू फाइव अपॉन टू, आपको दोस्तों इस तरीके से ही आंसर होगा। अगला आपको बन जाएगा ए टू टू इज इक्वल टू वन अपॉन टू माइनस थ्री इंटू टू प्लस टू। ठीक है, अब देखिए इसको कुछ हम डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं, वन अपॉन टू तीन दूनी छह, छह में से दो घटा देंगे दोस्तों आपको चार आ जाएगा, दो दूनी चार आपको दोस्तों मॉड मुक्त करेंगे तो प्लस फोर टू हो जाएगा। अब देखिए अगला हो जाएगा ए टू थ्री इज इक्वल टू वन अपॉन टू, तो माइनस थ्री इंटू टू प्लस थ्री आपको यहाँ पर बनेगा दोस्तों आंसर, दिमाग में ध्यान में रखिएगा यहाँ पर। चलिए अगला आ जाइए वन अपॉन टू, अभी दोनों को सॉल्व कर देते हैं, तीन दूनी छह, छह में से तीन घटा देंगे तो माइनस तीन आ जाएगा, मार्ड मुक्त कर देंगे थ्री अपॉन टू आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों यही रहेगा। फिर अगला टू फोर इज इक्वल टू वन अपॉन टू, अगला दोस्तों फिर इसके बाद आपको बनेगा यहाँ पर माइनस थ्री इंटू टू प्लस फोर, अब चलिए इसको वन अपॉन टू इसका मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस सिक्स प्लस फोर, अब देखिए यहाँ पर क्या बनता है वन अपॉन टू, फिर यहाँ पर कितना बन जाएगा इसको माइनस कर देंगे तो माड ऑफ टू इज इक्वल टू वन अपॉन टू, माड मुक्त करते हैं प्लस में इस तरीके से वन। इस तरीके से आपका दो स्टेप पूरा हुआ दोस्तों, अभी इसके बाद आपको एक स्टेप लेके चलना है, देखिए एक स्टेप आपको क्या आता है, देखिए इसका आंसर आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, अभी लिखने के लिए आपको काम लगेगा दोस्तों, दिमाग में या तो रखिएगा या तो कुछ भी आप दिमाग में रखिएगा। इसके बाद चौथा आपको दोस्तों स्टेप बताते हैं, चौथा इसका कैसे आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर अब की बार थ्री लेके चलते हैं, तीन पंक्ति का है, तीन पंक्ति लेके चलना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए इरेज करते हैं इसको हम, चलिए बारी बारी सबकी वैल्यू आपको पुटअप करना होगा, देखिए पुटअप करके वैल्यू आप निकाल सकते हैं दोस्तों। देखिए क्या करते हैं यहाँ पर, अब की बार ए थ्री वन, आई का मान थ्री रख देंगे, हमेशा जे का मान वन रखना पड़ेगा, इसी में यहाँ पर वन अपॉन टू है तो वन अपॉन टू हो जाएगा, फिर आपको माइनस थ्री इंटू थ्री प्लस वन,
तो जाएगा 1/2, 3 3 9 -9 +1 = 1/2 -8 = 1/2 × 8 हो जाएगा, फिर = 4। जब मॉड मुक्त करते हैं, मॉड के अंदर चाहे प्लस हो या माइनस, हमेशा प्लस बन के आता है। इसके बाद 8 3 2 = 1/2 -3 × 3 +2 = 1/2, फिर 3 3 9 तो -9 + 2 = 1/2। दोनों माइनस कर देंगे तो -7 = मुक्त कर देंगे तो 1/2 × अगला आपको निकालेंगे दोस्तों। यहाँ पर 3 3 3 कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 1/2 होगा, आई का मान 3 होगा, यहाँ पर जे का भी मान आपको 3 पुट करना होगा, तो -3 × 3 + 3 तो आपको यहाँ पर हो जाएगी = 1/2 -9 + 2 तो अब यहाँ पर हो जाएगा 1/2 माइनस यहाँ पर जो माइनस करते हैं -7 हो जाएगा। अब इतने सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपको एक मिस्टेक होगा, यहाँ पर जे का भी मान रखना होगा 3, फिर यहाँ भी जे का मान रखेंगे आप 3, तो आप इसको माइनस कर देंगे आ जाएगा -6 और आपको यहाँ पर 1/2 मॉड मुक्त कर देंगे तो × 6 हो जाएगा, 3 × 2 = 3। अब इस तरीके से दोस्तों आपको आंसर क्या बनेगा, इसलिए आप व्यू एज इक्वल टू, आपको आप व्यू एज इक्वल टू क्या राइट करेंगे, इसमें कितने का रहा, 3 पंक्ति था तो 3 पंक्ति आप राइट कर देते हैं, a11 a12 a13 a14 का अवयव, फिर इसके बाद a12 a1, नहीं दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर होगा a21 a22 a23 a24, फिर इधर बन जाएगा a31 a32 a33, फिर इधर हो जाएगा a34। इस तरीके से अब आप सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। इससे पहले दोस्तों हमने एक दो बार इरेज कर चुका, सबसे पहले हमने इसका वैल्यू फाइंड किया था, दोस्तों क्रम से आप उसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा। देखिए हमने उसकी वैल्यू क्या निकाला था, a11 की वैल्यू हमने 1 निकाला था, a12 की वैल्यू 1/2 निकाला था, a13 की वैल्यू 0 निकाला था, और इसकी वैल्यू हमने 1/2 निकाला था, तो आपका आंसर ही हुआ। इससे पहले जो हमने इरेज किया था दोनों की वैल्यू, a21 की वैल्यू 5/2 था, फिर इसका 2 था, फिर इसका 3/2 था, फिर इसका 1। अब देखिए इसकी वैल्यू तो आपको सब वहां पे राइट किया गया, 4 7/2 3। दोस्तों अभी एक यहाँ पे स्टेप छूट गया था, देखिए इसके बाद एक स्टेप आपको क्या निकालना होगा, a34 वाला ना, देखिए a34 आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए a34 आपको निकालना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए बस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, आप लोग a34 यहाँ से निकाल लीजिएगा। देखिए a34 आप निकालेंगे 1/2 -3 × 4 -3 × 3 + 4 दोस्तों होगा यहाँ पर, फिर 1/2 3 3 9 + 4 इस तरीके से आपको जाएगा 1/2 माइनस इसको 5 कर देंगे तो निकाल देंगे 5/2 दोस्तों आपका यही होगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसकी वैल्यू 5/2 आ गई है, तो यहाँ पे आप राइट कर देंगे कितना बन जाएगा 5/2, तो आपको इस तरीके से आपको यही आंसर बन गया क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, इसके नंबर क्वेश्चन आपका 6 होगा। चलिए हम देखते हैं दोस्तों, ध्यान से आप लोग देखिएगा क्वेश्चन 6 क्या है, चलिए देखिए। तो दोस्तों इसको हमने पहला पार्ट लगाया था क्वेश्चन 5 का, क्वेश्चन 5 में आपको 2 पार्ट दिया गया है, तो हमारा ये पहला पार्ट था, आप लोग दूसरा पार्ट दोस्तों स्वयं से सॉल्व करिएगा। दोस्तों चलिए अब हमारा क्वेश्चन 6 आता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए क्वेश्चन 6 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कर रहा है, 6 में आपको बताया गया है, क्वेश्चन 6 वो कर रहा है समीकरण कोई दिया गया है, इसमें एबीसी की वैल्यू फाइंड करना है, a-b 2a + c, आपको 6 सॉरी यहाँ पर कहा निम्नलिखित समीकरण में एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। चलिए आपको 6 का पहला जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपको राइट किया गया है 4 3 x 3 4 3 x 3, फिर इसके बाद इक्वल टू होगा दोस्तों यहाँ पर राइट किया गया है y z 1 5 y z 1 5, इस तरीके दोस्तों ये जेड होगा। अब इसका वैल्यू आपको निकालने के लिए संगत अवयव की केवल तुलना कर देंगे, y के स्थान पे यहाँ 4 होगा तो y इक्वल टू 4 हो जाएगा, z के स्थान पे यहाँ 3 है z इक्वल टू 3 राइट कर देंगे, यहाँ पे x के स्थान इधर 1 है x = 1, दोनों जब आपस में बराबर होते तो केवल इसकी हम तुलना कर देते दोस्तों, तुलना करने के बाद हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसका दूसरा पार्ट आपको क्या दिया गया है x + y, फिर अगला जाएगा यहाँ पर 5 + z, फिर दूसरा आपको दिया गया है 2, फिर अगला आपको दिया गया है यहाँ पर x × y, फिर देखिए आगे आपको दोस्तों क्या राइट किया गया है, यहाँ पर दिया गया है 6 2 और आपको दिया गया है 5 और 8। चलिए
इस तरीके से आपको यही क्वेश्चन दिया गया, इसमें भी एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसका आप यहाँ पे तुलना कर देंगे दोस्तों, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पर इसकी तुलना टू टू होगा, फिर इसकी यहाँ पे तुलना कर देंगे, फाइव प्लस जेड इज इक्वल टू फाइव बन जाएगा, फिर यहाँ से इसकी इसको इसको ट्रांसपोजिंग कर देंगे दोस्तों, तो आपस में कट जाएगा ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए यहाँ पर तो कट जा रहा है, दोनों कट जाएगा, इसको उधर कर देंगे तो जेड बराबर इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे तो जेड बराबर फाइव माइनस फाइव हो जाएगा, जेड बराबर आ जाएगा जीरो, इसको इक्वेशन टू ले लीजिएगा, फिर जब इसकी आपको यहाँ पे कर देंगे ट्रांसपोज तो एक्स इंटू वाई बराबर कितना आएगा, फाइव आ जाएगी, समीकरण नंबर दोस्तों इस तरीके से आपको तीन बन गया। चलिए अब देखिए इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, एक्स का या वाई का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, इसके बाद जो आपको आएगा दोस्तों वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या आंसर हमारा बन के आता है, कुछ देखिए अजीब तरीके से लगता है इसका आंसर आने वाला है, तो चलिए फिर भी कोई बात नहीं दोस्तों, इसकी हम इसमें तुलना कर देते हैं, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, या फिर यहाँ से वैल्यू आप निकलवा लीजिए एक्स की, देखिए यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू कितना जाएगा फाइव अपान वाई, इसको इक्वेशन आप थ्री पुट कर देते हैं, देखिए इसको इक्वेशन थ्री ले लेते हैं, तो इक्वेशन वन और थ्री को आप सॉल्व कर देते हैं, देखिए इक्वेशन वन और थ्री को सॉल्व करने पर इसमें वन और थ्री से इक्वेशन वन और थ्री से आप लेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या बन के आपको आ जाएगा, वाई एक्स के सीट पे रख देंगे फाइव अपान वाई प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स, इसके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे फाइव प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अपान वाई इज इक्वल टू सिक्स, इसके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फाइव प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सिक्स वाई बनेगा, फिर यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस सिक्स वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, इस तरीके से आप इसका फैक्टराइज कर देंगे दोस्तों। चलिए देखिए हम एक ही लाइन में कर देते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको जब फैक्टराइज करेंगे तो वाई माइनस फाइव आएगा और दूसरा आ जाएगा वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से वाई बराबर एक बार फाइव आएगा एक बार वन, इस तरीके से आप फैक्टराइज कर लीजिएगा दोस्तों। अब वाई का मान यहाँ पर रख देते हैं समीकरण तीन में, तो आप ले लीजिएगा समीकरण तीन से, देखिए दोस्तों समीकरण तीन से जब जब वाई बराबर पांच तब एक्स बराबर कितना निकल के आएगा दोस्तों, तो जाएगा पांच बटे पांच बराबर एक, और दूसरा लिख देते हैं जब वाई बराबर एक तब एक्स बराबर पांच बटे एक बराबर पांच, इस तरीके से दोस्तों आपका आंसर निकल जाएगा, एक्स बराबर एक होगा या तो पांच होगा, वाई बराबर एक होगा या तो पांच होगा, और जेड का मान आपको दोस्तों यहाँ पर जीरो, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया दोस्तों, टू था, इसके बाद तीसरा पार्ट आप लोग दोस्तों खुद सॉल्व करिएगा। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर सात पे हम आते हैं, देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन सात दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों क्वेश्चन सात पे क्या है, क्वेश्चन सात देखिए क्या है, देखिए दोस्तों आज के लिए आपको इस वीडियो में इतना ही, केवल क्वेश्चन सात छह तक ही सॉल्व कराया जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन सात आपको अगले वीडियो में सॉल्व कराया जाएगा दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।